नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 2019 से पाकिस्तान में इंडियन फिल्म की स्क्रीनिंग पर पूरी तरह से बैन लग गया है। हालांकि इसके बाद भी वहां के दर्शकों की पहली पसंद भारतीय फिल्में ही हैं। कई अवसर पर पाकिस्तानी एक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते नजर आए हैं। हाल में ही पाकिस्तान एक्टर फैजल कुरैशी का कहना है कि उनके मुल्क में भारतीय फिल्में जरूर रिलीज़ होनी चाहिए, इससे मात्र ही वहाँ की इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बैन हटाने से इंडस्ट्री को 600 से 700 करोड़ तक का फायदा भी होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फैजल कुरैशी ने कहा, वो सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी सिनेमा चलाना है तो भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने में वो बहुत स्वार्थी हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी दर्शक भारतीय फिल्में ही देखना चाहते हैं। सरकार उन पर अपनी मनमर्जी नहीं थोप सकती और उन्हें भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आगे खुलासा किया कि बैन से पहले पाकिस्तानी फिल्में और टीवी शोज ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाए जा रहे थे, जबकि लोग केवल भारतीय फिल्में देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते थे। इसे देश के रेवेन्यू को बहुत फ़ायदा हुआ था। फैजल का कहना है कि पाकिस्तान सरकार को भारतीय फिल्मों पर से प्रतिबंध हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने से रोक रहा है। बता दें, पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लग गया था। पाकिस्तान का 50% रेवेन्यू भारतीय फिल्मों से आता था, लेकिन बैन लगने के बाद इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।